नहीं खा पाए तो फिर 500 रुपए मेरे हुए। 1, 2, 3 स्टार्ट। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल गाइस। ये है मेरी फैमिली मेंबर्स, ये है मेरी सिस्टर्स, और आज हम लोग कुछ नया करने वाले हैं ब्लॉग में। ब्लॉग में आज कुछ हम लोग नया करने वाले हैं वो ये है कि एक छोटा सा चैलेंज रखा हुआ है, और चैलेंज ये है कि गोलगप्पे खाने हैं। काउंटिंग नहीं है कि इतने खाने हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम दिया गया है, उस टाइम के अकॉर्डिंग बच्चों को गोलगप्पे खाने, जो जीतेगा उसके लिए कुछ सरप्राइज है। सरप्राइज ये है दोस्तों, जो जीतेगा उसको मिलेंगे 500 रुपीज़। सो इन लोगों से पूछ लेते हैं कि जो जीतेगा वो 500 रुपीज़ का क्या करेगा। सो मानसी बताओ, 500 रुपीज़ मिलेगी तो तुम क्या करोगी? कर लेंगे कुछ, क्यों? मैं तो करने वाली हूँ पार्टी सबके साथ में। ये सबके साथ पार्टी करेंगे इन 500 रुपीज़ का? हाँ। और पार्टी का कौन भाई दिवे? मैं जीतने वाली हूँ। कौन जीतेगा देखते हैं, कौन जीतेगा। नहीं तो जो कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है इट मीन्स वही जीतने वाला है। सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, दो चाची के बच्चे बार बार जाग रहे हैं और पता नहीं क्या सोच रहे हैं, जब वीडियो में शूट करो तो भागने लग जाते हैं। गाइस आज बहुत मजा आने वाला है इस चैलेंज के हिसाब से, देखते हैं क्या होता है। गोलगप्पे इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गोलगप्पे नहीं दिए गए क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग ही गोलगप्पे रखे गए हैं। और ये है गोलगप्पे का पानी, और ये है यहाँ पे गोलगप्पे। इन लोगों को मीठी चटनी पसंद नहीं है इसलिए इन्होंने सिर्फ चटनी रखी नहीं है, और खाने के लिए इन्होंने छोटा छोटा बाउल ले रखा है ये। सो गाइस सेट कर लेते हैं टाइमर और स्टार्ट करते हैं गोलगप्पा चैलेंज। मोबाइल मैंने यहाँ पे सेट करके रखा है, यहाँ पे इन लोगों का टाइमिंग हो जाएगी स्टार्ट। जैसे स्टार्ट होती है इन लोगों से बोलेंगे तो ये लोग खाना स्टार्ट कर देंगी। 30 सेकंड का टाइम मिला है ओनली, 30 सेकंड में इन लोगों को जितने बाउल गोलगप्पे रखे हैं वो सारे फिनिश करने हैं, फिर देखते हैं कि कौन मिलता है। और यहाँ पे रख देते हैं पैसे भी, जो जीतेगा वो अपने पैसे यहाँ से उठा लेगा। सो गाइस हम लोग चैलेंज को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दो लड़कियाँ बैठी हैं, और ये दिशा को देखिए खाने के लिए कितना उत्साहित है, काफ़ी सोच रही है जैसे स्टार्ट हो फटाफट स्टार्ट कर दे खाना। गाइस इन लोगों का कहना है कि 30 सेकंड बहुत ही कम है, 30 सेकंड तो एक या दो गोलगप्पे ज़्यादा खा नहीं पाएंगे, तो इन लोगों का कहना है कि 1 मिनट का टाइम दे दिया जाए। आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? दे दो 1 मिनट का, 1 मिनट का दे दें? दे दो। ठीक है भाई दे रहे हैं, और दोनों ने नहीं खा पाए तो फिर 500 रुपए मेरे हुए। 1, 2, 3 स्टार्ट। हंसोगी तो खा नहीं पाओगी जल्दी। 1 2 जल्दी जल्दी, टाइम भी देखते हैं जरा टाइम कितना हो गया है। 17 सेकंड का टाइम हो चुका है, फटाफट। मुंह भी देखेंगे, पूरा पानी भी खत्म होना चाहिए, जो बाउल में गिरेगा छोटी वाली बाउल में वो वाला खत्म होना चाहिए। आराम आराम खाओ, कोई खांसी चली जाए, अभी बहुत टाइम है, 33 सेकंड हुआ है अभी सिर्फ, फटाफट। ये देखिए गाइस मज़ा आने वाला है। दो जितना लूं। इसके दो बचे, अरे गाइस इसके तो दो ही बचे, इसके भी दो बचे हैं, अब देखते हैं जीतने वाला कौन है। फास्ट फास्ट फटाफट, 53 सेकंड, 54 सेकंड, डन। टाइम भी हो गया दोस्तों, और ये दिशा जीत चुकी है। सो अब बताइए क्या करना चाहिए? दिशा जीत तो गई हो तुम, लेकिन हारने वाले को क्या होना चाहिए? मिर्ची मिर्ची खिलाई जाए क्या? बताए तो ये था इसका रोल था ना चैलेंज का, कि जो हारने वाले व्यक्ति हो ना उसको एक बाउल बचा हुआ पानी भर के पीना पड़ेगा, ठीक है? तो ये हार चुकी है मासे, तो एक तो पानी पीना पड़ेगा, पानी दे दो। ये हारने वाले को जितना बचा हुआ पानी है वो पीना पड़ेगा, और जीतने वाले को मिलने वाले हैं पैसे। रिएक्शन देखिए गाइस, उसको पानी पीना पड़ रहा है तो पानी कैसा, बहुत स्पाइसी है क्या? पी लो मज़ा आने वाला है।
बहुत सही पी लो। क्या बात है ये। और ये है इनाम जीतने वाले व्यक्ति का। वाह कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा मुझे, और मुझे लग रहा कि ये चैलेंज बोल रहा चाहिए। ये बात भी सही है, लेकिन नेक्स्ट टाइम का जो चैलेंज होगा गाइस वो बहुत सारे गोलगप्पों के साथ होने वाला है, क्योंकि वो डायरेक्ट चैलेंज होगा। ये 100 गोलगप्पे, तो वीडियो आप बने रही चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा जरूर। फिर गोलगप्पे के साथ मिलेंगी दिशा एंड मानसी। गाइस इन लोगों ने आपस में डिस्कस कर लिया है कि क्या करना है, और मानसी ने जो गोलगप्पे खाए थे तो उसको बहुत ज्यादा तीखा लग चुका है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जब नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी उसमें जो हारने वाले व्यक्ति होगा उसको मिर्च डाल के खाना पड़ेगा गोलगप्पे में, ठीक है? तो आप चिली फ्लेक्स नहीं, मिर्चा लाल मिर्च दही वो हानिकारक होता है, हरी मिर्च खानी पड़ेगी, खाना पड़ेगा हरी मिर्च। गाइस हम लोग साथ ही गोलगप्पे का जो चैलेंज हो रहा था उसमें जो देखने वाले पार्टिसिपेटर थे वो देखो, एक ये लड़की बैठी थी पे से अब एक लड़की यहाँ से भाग चुकी है बाहर। गाइस आज के चैलेंज पे बहुत मज़ा आया और सबने काफ़ी मस्ती की है। यहाँ पे आपको एक पेड़ दिख रहा होगा, ये इसके बारे में अब इसको नीचे चल के दिखाएंगे आपको। ये देखिए गाइस छोटा सा छोटे छोटे फूलों का पौधा है, ये काफ़ी सुंदर फ्लावर साइंस के, ये देखिए कितने ब्यूटीफुल है, बहुत छोटे छोटे काफ़ी, लेकिन ब्यूटीफुल है। ये देखिए गाइस कुछ यहाँ पे पौधे और लगाए गए हैं, जिसमें से ये गेंदा का फूल पेड़ है पौधा है, और यहाँ पे फ्लावर बहुत आते हैं, इसमें कलियाँ काफ़ी हैं, फ्लावर सारे निकल चुके हैं, और छोटे छोटे पौधे और यहाँ पे नए निकल आए हैं। और ये है गुड़हल का फूल, यहाँ पे काफ़ी बड़ा पौधा लगा हुआ था, गुड़हल का बहुत सारे फ्लावर आते थे उसमें, लेकिन उसको यहाँ से हटा दिया गया तो वो ख़राब हो गया। ऐसे एक पौधा और है, ये है बेला का, बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे। ये बेले का पौधा हम लोग लाए थे दीपावली में, काफ़ी पुराना है और काफ़ी सुंदर है, फ्लावर्स इसमें बहुत ही कम निकले हैं अभी, लेकिन निकलने की उम्मीद है। देखिए गाइस जिसकी मैं बात कर रही थी, ये शादी टाइम बाबा ने कटवाया था, और ये अब इतना बड़ा हो गया था कि यहाँ पूरा ढक जाता था, पूरा यहाँ पे नीचे छाँव बनी रहती थी, धूप नहीं आ पाती थी। अब इसमें नई कोपले आ गई हैं और फिर से ये यहाँ पे जग रहा है, वो काफ़ी बड़ा हो गया है। और इसकी जगह बगल में लगा है कनेर का पेड़, कनेर में सारे फ्लावर्स लगे हुए शायद आपको दिख रहे होंगे, काफ़ी ब्यूटीफुल पेड़ हो गया था ये, लेकिन ये अभी पतझड़ आया था इस वजह से थोड़ा सा ये इसके पत्ते सारे झड़ गए हैं, फिर से नई कोपले आना स्टार्ट हो रही हैं, इसमें नई कोपले आ चुकी हैं, उसमें अभी आना स्टार्ट हो रही हैं। ये देखिए गाइस चैलेंज में बहुत मज़ा आया, और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।